तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा, जब हम लोग वीडियो एडिटिंग करने के लिए काइनमास्टर के अंदर वीडियो एडिटिंग करते हैं, उसके अंदर जब हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं तो तब देखते हैं कि यहाँ पे लेयर प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि स्क्रीनशॉट पर देख रहे हो कि जब हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं यहाँ पे दो चार लेयर से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे लेयर ऐड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम आता है। तो आज की डेट में उसी के बारे में बताऊँगा कि आपके यहाँ पे जो काइनमास्टर के अंदर वीडियो जब एडिटिंग करोगे, चाहे जो भी यार आप लेयर यहाँ पे ऐड करो, आपके यहाँ पे लेयर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेयर की प्रॉब्लम जो है यहाँ पे फिक्स कर दूंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए दोस्तों प्लीज़ भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मैं हूँ जयदीप और आप देखो टेक्निकल जयदीप यूट्यूब चैनल। तो चलिए देख लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो करना होगा कि आपको यहाँ पे काइनमास्टर ओपन करना होगा। जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हो, काइनमास्टर ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे काइनमास्टर की जो सेटिंग्स ऑप्शन है, जैसे कि स्क्रीनशॉट पर आप देख रहे हो, वो सेटिंग्स ऑप्शन ओपन करना। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे काइनमास्टर सेटिंग्स के अंदर एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाना होगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाना, एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना। सबसे पहले नीचे यानी कि सॉरी सबसे नीचे जो ऑप्शन देख रहे हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे जो लिख रहा है कि जो अलाउ मल्टीपल लेयर्स या अलाउ ऑल लेयर्स बोल के जो ऑप्शन देख रहे हो आपके यहाँ पे ऑफ होगा, तो आप इसको ऑन कर देना। जैसे आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे ऑफ रहेगा, आप इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद जैसे देखो कि आपके यहाँ पे वीडियो वगैरह जो भी हो, लेयर वगैरह जो भी है, लेयर प्रॉब्लम आपके यहाँ पे नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा एक प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हूँ, काइनमास्टर के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाना। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाना, और उसके बाद जो मल्टीपल लेयर वाला ऑप्शन देख रहे हो वहाँ पे जाने के बाद उसको ऑन कर देना। जैसे ऑन करके देखो कि आपकी प्रॉब्लम वगैरह जो भी है सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो पर मालूम हो चुका है कि कैसे हम लोग की जो काइनमास्टर के अंदर जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, लेयर वाला जो प्रॉब्लम आता है फिक्स, या एरर जो लेयर वाला आता है या लैग जो करते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो पर मालूम हो चुका है। इसे मैंने सोचा कि मुझे कभी कभी प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों का हो सकता है प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए आप लोग से पेश किया हूँ। क्योंकि कई बार हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं तो यहाँ पर बहुत बार प्रॉब्लम आता है, और प्रॉब्लम आने से क्या होता है, हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए आप लोग को सोचा कि बताना चाहिए, इसलिए आप लोग से पेश किया हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर आप मेरे चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दूसरे ऐसे हेल्पफुल एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहना। टाटा बाय बाय।